हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स अप्रैल माह 2022 का इम्पोर्टेंट, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का 2022 का महत्वपूर्ण दिवस और थीम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक हम लोग पढ़ेंगे, जो काफ़ी सभी एग्जाम के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसका दिवस और थीम पूछ लिया जाता है, तो हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं थीम है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि अन्य सारे बुक कवर कराए जाते हैं सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियो अगर आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उत्कल या आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्कल या आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को जो है उत्कल या आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसका जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस या विश्व ऑटिज्म पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? तो 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को दो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। एक है अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और एक है विश्व ऑटिज्म पुस्तक दिवस। कब मनाया गया है? 2 अप्रैल को। इसका थीम है सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा, सभी के लिए समावेशी गुणवत्ता शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस कब मनाया गया? संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस कब मनाया गया है? तो 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान और जागरूकता खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया। इसका इम्पोर्टेंट थीम है सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर। सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम, सुरक्षित घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। जिसका थीम होगा उसका थीम भी हम लिखे हैं, तो थीम पर भी फोकस करेंगे और इसका दिवस पर भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को। 100 से 7 होता है और 100 से स्वास्थ्य होता है, तो ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, सेना आयुध कोर का 247वां दिवस कब मनाया गया? सेना आयुध कोर का 247वां दिवस कब मनाया गया है? तो 8 अप्रैल, 8 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 57वां CRPF, 57वां CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को 57वां CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट, विश्व होम्योपैथी दिवस और पाम संडे, यह संडे जो है सो ईस्टर से पहले का जो संडे है उस दिन यह मनाया जाता है। तो होम्योपैथी दिवस और पाम संडे दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को। ये दो इम्पोर्टेंट डे जो है, यानी कि दिवस, जो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व होम्योपैथी दिवस और पाम संडे। पाम संडे ईस्टर से जो पहले का संडे है उस दिन मनाया जाता है पाम संडे दिवस। तो 10 अप्रैल को मनाया गया है इस बार पाम संडे। विश्व होम्योपैथी दिवस का इम्पोर्टेंट थीम है होम्योपैथी, पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। होम्योपैथी, पीपुल्स चॉइस फॉर वेलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व पार्किंसंस दिवस, और दूसरा है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, और तीसरा है ज्योतिबा फूले जयंती कब मनाया गया? यानी कि 11 अप्रैल का इसका राइट आंसर क्या है? 11 अप्रैल। तो 11 अप्रैल को जो है तीन इंपॉर्टेंट दिवस मनाया गया। पहला है विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, और तीसरा है ज्योतिबा फूले जयंती जो है सो 11 अप्रैल को मनाया गया।
राष्ट्रीय मातृत्व सुरक्षा दिवस का जो थीम है वो है कोरोना वायरस के बीच घर पर रहें, माँ और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। थीम है कोरोना वायरस के बीच घर पर रहें, माँ और शिशु को कोरोना वायरस से सुरक्षित रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो सियाचिन दिवस 13 अप्रैल को, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व चागास रोग या बी.आर. अंबेडकर की 131वीं जयंती कब मनाया गया? दो इम्पोर्टेंट दिवस है, एक है विश्व चागास रोग दिवस और एक है बी.आर. अंबेडकर जी की 131वीं जयंती कब मनाया गया है? तो 14 अप्रैल को। हर साल जो है सो अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया ही जाता है, आप लोग को पता ही होगा। तो विश्व चागास रोग या अंबेडकर जयंती 131वीं कब मनाई गई है? तो 14 अप्रैल को। चागास रोग का थीम है चागास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग। चागास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग। कुछ नोट करके फैक्ट दिया गया है, अंबेडकर जयंती जो है सो तमिलनाडु सरकार के द्वारा कहा जा गया है कि तमिलनाडु सरकार 14 अप्रैल को हर साल समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। किसके यादगार में? तो अंबेडकर जयंती के दिवस के रूप में 14 अप्रैल को हर साल समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन? M.K. Stalin। पूछ लिया जा सकता है कि कौन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, यानी कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से मुख्यमंत्री ने अंबेडकर जयंती की दिवस के रूप में 14 अप्रैल को ही हर साल समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो वो M.K. Stalin जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, जो अंबेडकर जी की जयंती के रूप में समानता दिवस के रूप में 14 अप्रैल को ही मनाने का घोषणा किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य स्थापना दिवस है वो 15 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व काला दिवस या हाथी बचाव दिवस कब मनाया गया है? तो 16 अप्रैल को विश्व काला दिवस और हाथी बचाव दिवस मनाया जाता है। कुछ नोट करके फैक्ट है, 16 अप्रैल को पूरे विश्व में आवाज़ या काला दिवस का थीम है ये। तो नोट करके कुछ फैक्ट दिया गया है, तो 16 अप्रैल को पूरे विश्व में आवाज़ या काला के रूप में, काला दिवस के रूप में जो है सो मनाया जाता है 16 अप्रैल को। इस दिन मनाने का उद्देश्य है, यानी कि 16 अप्रैल को विश्व काला दिवस मनाने का उद्देश्य है स्वास्थ्य और संचार के पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और मानव आवाज़ के महत्व को पहचानना। और इसका इम्पोर्टेंट थीम हो जाता है 2022 का, आवाज़ उठाओ लिफ्ट योर वॉइस, आवाज़ उठाओ लिफ्ट योर वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है 17 अप्रैल को मनाया जाता है, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, नीति, प्रगति, अपनी सरकार को शामिल करना और विरासत में मिले रक्त शराब को, विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना। इसका कुछ नोट करके फैक्ट दिया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। काफ़ी हर लाइन, लाइन बाय लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि एक बार वीडियो देखें, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े। और वीडियो हम छोटा रखते हैं क्योंकि रिविजन करने में काफ़ी आसानी और हेल्पफुल होता है। तो हम मास्टर वीडियो भी बना सकते थे 2-4-6 महीने का दिवस, लेकिन महीने महीने बनाते हैं क्योंकि जिस महीना का हमको देखना होगा उस महीना का वीडियो आप लोग जाके प्लेलिस्ट से उठा के देख सकते हैं। तो इसका नोट में कुछ फैक्ट दिया गया है, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन हीमोफीलिया और अन्य रक्त शराब या विकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक यह दुर्लभ है जो जिसमें मानव रक्त में सामान्य रूप से रक्त का थक्का नहीं जमता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले रक्त में जो रक्त के थक्के प्रोटीन का अभाव पाया जाता है। जो रक्त का थक्का जमाता है वो प्रोटीन की अभाव पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसे हीमोफीलिया हो जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है विश्व विरासत दिवस, इंग्लिश में इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे भी कहते हैं। तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। कुछ नोट करके फैक्ट दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र हर साल जो है सो 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। यह दिवस मानव धरोहर विरासत को संरक्षित करने और इसके लिए काम करने वाले संगठनों के प्रयास को पहचानने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ बात किया गया है यूनेस्को का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का, तो यूनेस्को। तो यूनेस्को का गठन कब किया गया था, तो 4 नवंबर 1946 को। 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, और महानिदेशक जो है सो आंद्रे अजोले हैं यूनेस्को का महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया है, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। कुछ फैक्ट दिया गया है, हर साल 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 अप्रैल को हर साल यकृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों को यकृत से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराना और उनके प्रति जागरूकता पैदा करना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है, तो 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। नोट है हर साल 20 अप्रैल को विश्व स्तर पर यानी कि वर्ल्ड लेवल पर संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका जो उद्देश्य है वह है इस दिवस को कंगीजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि कंगीजी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविष्कार किया था। 5000 पहले चीनी अक्षरों का आविष्कार किया था 5000 चीनी पहले अक्षरों का आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट इसका, तो नेक्स्ट है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मक दिवस और नवाचार दिवस, तीन इम्पोर्टेंट है। एक है राष्ट्रीय सिविल दिवस, दूसरा है विश्व रचनात्मक दिवस और तीसरा है नवाचार दिवस। कब मनाया गया, तो 21 अप्रैल को। तीन इम्पोर्टेंट डे मनाया गया, राष्ट्रीय सिविल दिवस, विश्व रचनात्मक दिवस और नवाचार दिवस, 21 अप्रैल को मनाया गया है, और इसका थीम है सहयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है, यानी कि अर्थ डे कब मनाया गया है, तो वो 22 अप्रैल को मनाया गया। पृथ्वी दिवस जो है विश्व में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पर। इसका थीम हो जाता है इम्पोर्टेंट, इन्वेस्ट आवर प्लानेट इसका थीम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया है, तो 23 अप्रैल को विश्व कॉपीराइट दिवस और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है और अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया गया, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस और अंग्रेजी दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, दो इम्पोर्टेंट। फर्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस और सेकेंड है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल मनाया जाता है 26 अप्रैल। इसका इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट दिया गया है, हर साल जो है सो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क और डिजाइन सहित बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जन जागरूकता पैदा करना, और इसका थीम है आईपी और युवा, नव प्रवर्तन की चुनौती की ओर बढ़ रहे हैं।
आईपी एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर सुरक्षा दिवस और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस कब मनाया गया, तो 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा दिवस और स्वास्थ्य के लिए वैश्विक दिवस पर कब मनाया गया, तो 28 अप्रैल को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर साल जो है कार्यस्थल पर यानी कि जहाँ काम किया जाता है उस जगह उस स्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस यानी कि विश्व दिवस जो है 28 अप्रैल को स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है और कार्यस्थल पर सुरक्षा स्वास्थ्य के लिए वार्षिक विश्व दिवस पहली बार जो मनाया गया था वो 2003 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ओएलओ का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जो है सो मनाया गया था 2003 में। यह दिन दुनिया भर में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए दुर्घटना के अलावा स्वास्थ्य के लिए जागरूकता पैदा करना और व्यावसायिक बीमारी को रोकने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट करते हैं तो इसका थीम है सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति बनाने में भागीदारी और सामाजिक संवाद। इंग्लिश में है पार्टिसिपेशन एंड डायलॉग इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है WHO द्वारा विश्व प्रतिरक्षण या टीकाकरण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया, यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है जो है सो WHO द्वारा विश्व प्रतिरक्षण दिवस और टीकाकरण सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया है, तो वो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया गया है। कब मनाया गया, 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इसका थीम हो जाता है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल इसका थीम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2022 कब मनाया गया है, तो 28 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे 2022 मनाया गया है। हर वर्ष अप्रैल महीने के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है और इसका थीम है पहुंच और सुरक्षा, इंग्लिश में एक्सेस एंड सेफ्टी। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखेंगे, पहुंच और सुरक्षा, एक्सेस एंड सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में इंटरनेशनल डांस डेज कब मनाया गया, इंग्लिश में इसको इंटरनेशनल डांस डेज बोल सकते हैं, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है, तो 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर वर्ष दुनिया भर में 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस महान डांसर जीन जॉर्ज नावेरे के जन्मदिन के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है यानी मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि दुनिया भर में डांस की विधाओं प्रसिद्ध करना और दुनिया भर के डांसर को प्रोत्साहित करना है और इसका 2022 का जो थीम है वो है नृत्य हमारी छिपी हुई आत्मा की भाषा। नेक्स्ट है विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है, तो 30 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट 30 अप्रैल 2022 को भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की कौन सी जयंती मनाई गई, तो 152वीं जयंती जो है सो 30 अप्रैल 2022 को भारतीय सिनेमा के जनक कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के जी की 152वीं जयंती मनाई गई है, जबकि इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जैज 2022 दिवस कब मनाया गया है, तो 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज 2022 दिवस मनाया गया है और इसका थीम इम्पोर्टेंट है अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। नेक्स्ट है तो आज इतना ही क्वेश्चन था जो अप्रैल 2022 मंथ का इम्पोर्टेंट दिवस और थीम था जो सभी एग्जाम से संबंधित और सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, आप लोग को पता ही होगा।
आई होप ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक हमें मोटिवेट करता है अगला नेक्स्ट वीडियो लाने में। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अन्य दोस्तों को जोड़िए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।